गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यह आपका EBS का लेसन नंबर 14 है, आवर रिसोर्सेस, हमारे संसाधन। ऐसा संसाधन जो हमें प्रकृति से और कृत्रिम रूप से प्राप्त होते हैं, यानी कि टू टाइप्स के हमारे पास रिसोर्सेस पाए जाते हैं। पहला नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक संसाधन, और सेकंड मैनमेड रिसोर्सेस यानी कि कृत्रिम संसाधन। कल हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा, यानी कि ऐसे संसाधन जो जिनका यूज़ करने के बाद भी वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। कल हमने उन रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा था जैसे कि सनलाइट है, उसका यूज़ हम कितना भी कर लें लेकिन वो ख़त्म नहीं होती है। वाइंड रिसोर्सेस यानी कि वाइंड का हम कितना भी यूज़ कर लें उसके बाद भी वो ख़त्म नहीं होती है। वाटर यानी कि पानी, पानी का यूज़ हम बिजली बनाने के लिए भी करते हैं। अगर बहुत ऊंची हाइट से हम पानी को नीचे गिराते हैं तो उससे बिजली प्रोड्यूस होती है, यानी कि उत्पन्न होती है, पैदा होती है। आगे देखिए, भाखड़ा नागल डैम इज़ द हाइएस्ट डैम इन इंडिया, यानी कि भाखड़ा नागल जो बांध है वो इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है। रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी ईजली रिप्लेनाइज्ड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऐसे संसाधन जो दोबारा से जल्दी नहीं बन पाते हैं उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। यानी कि ऐसे संसाधन जो अगर एक बार ही ख़त्म हो गए तो उन्हें दोबारा बनाने में करोड़ों साल का समय लग जाता है, ठीक है, उनको दोबारा बनने में करोड़ों साल का समय लग जाता है, लाखों करोड़ों सालों का, हज़ारों का समय लग जाता है। फॉसिल फ्यूल एंड मिनरल्स आर सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि जीवाश्म ईंधन और जो खनिज लवण होते हैं वो नॉन अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। दे टेक मिनरल्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, उन्हें बनने में लाखों सालों का समय लग जाता है, लाखों करोड़ों सालों का समय लग जाता है। फॉसिल फ्यूल रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, यानी कि मरे हुए और मृत और मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उनके शरीर जब एक जगह एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होते जाते हैं, जैसे देखिए ये ज़मीन है उसके ऊपर पेड़ पौधे या फिर जानवरों का शरीर एक के ऊपर एक इकट्ठा होता गया, तो ये चीज़ ना ज़मीन में दब जाती है, तो इनके शरीर से जो तेल वगैरह निकलता है उसी से ही पेट्रोल डीजल बनाया जाता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड बाय द स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होता है उनसे उसमें जो मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं उनके फॉर्मेशन में, यानी कि उनसे तेल बनाने में कई सालों का समय लग जाता है। कोयल एंड पेट्रोलियम आर टू फॉसिल फ्यूल, कोयला और जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम हम पेट्रोल डीजल वगैरह को कहते हैं, ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम होता है वो दो फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जीवाश्म ईंधन है। दे कैन नॉट बी रिसाइकल, इनका हम रिसाइकल नहीं कर सकते, इसका हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। अगर इनका एक बार यूज़ हो गया तो ऐसा नहीं है जैसे कि पानी का हम एक बार यूज़ कर लेते हैं फिर हम उसको दोबारा से साफ़ करके हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ हम नहीं कर सकते। अगर ये एक बार यूज़ हो जाते हैं तो दोबारा इनका यूज़ नहीं किया जा सकता। कॉयल इज़ फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कोयला होता है वो पृथ्वी की सतह से नीचे पाया जाता है। पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पेट्रोलियम जो होता है वो मैरीन यानी कि जो समुद्र वगैरह में पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उनके कंपोजिशन से, उनके शरीर से वो अगर मर जाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर दबते चले जाते हैं तो अंदर पृथ्वी के अंदर वो पहुंच जाते हैं और उनसे तेल वगैरह निकलता है, यानी कि उनके शरीर से जो भी कुछ निकलता है वो तेल में बट जाता है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बिल्डिंग रेफिनरीज डीप अंडर द सी सोर्स, पेट्रोल डीजल केरोसिन वैक्स एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम।
इसमें जो पेट्रोल डीजल हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, हम उसको पहले रेफिनरीज में भेजते हैं, यानी ये उनको साफ़ करने वाले कारखानों में भेजते हैं, और साफ़ करने के बाद उसमें से पेट्रोल को अलग किया जाता है, डीजल को अलग किया जाता है, कैरोसिन ऑयल को अलग किया जाता है, और वैक्स वगैरह को, इन सब को अलग अलग किया जाता है। इन सब को अलग करने के बाद ही हम इसका यूज़ करते हैं।